पिछले दिनों जो शिक्षा मंत्रालय में कार्य हुए जी, हमारे पूर्व के शिक्षा मंत्री जी और जो वर्तमान अपर मुख्य सचिव हैं, इन लोगों के लगातार प्रयास से जो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई और बहुत सारे सुधारात्मक कार्य हुए, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आगे भी उसी ट्रैक पर मैंने शिक्षा विभाग चलेगा और उसको और बेहतर बनाने का अंतिम जो एक लक्ष्य है वो ये है कि बिहार के आम छात्रों को, छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि उनको शिक्षा के लिए अन्यत्र भटकने की जरूरत न पड़े। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार, मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास। के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके विभाग के मंत्री बदल गए हैं, लेकिन काम करने का अंदाज, अपनी हेकड़ी बदलने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला जो है पटना डीएम से जुड़ा हुआ है, जहां छुट्टी को लेकर शिक्षा विभाग और पटना जिलाधिकारी आमने सामने हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर बिहार के नए नवेले शिक्षा मंत्री आलोक मेहता के सुर कुछ अलग ही हैं। नए शिक्षा मंत्री बात पुराने शिक्षा मंत्री और के पाठक के साधुवाद से कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। एक तरफ दो अधिकारियों के बीच में विभागीय जंग है और तो दूसरी तरफ नए शिक्षा मंत्री जो हैं उनको साधुवाद नज़र आता है। शिक्षा विभाग में काम कैसा हो रहा है, क्या कार्रवाई होगी, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या विभाग में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्या विभाग में तानाशाही अधिकारी का रवैया उत्पन्न हो गया है, इन तमाम मुद्दों पर शिक्षा मंत्री आलोक मेहता क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ समझते हैं, कैसे शिक्षा विभाग चल रहा है, जरा आप सुनिए। उन्होंने हम पर भरोसा जताया और इस महत्वपूर्ण चुनौती को हमारे जिम्मे छोड़ा। मैं वैसे पिछले दिनों जो शिक्षा मंत्रालय में कार्य हुए जी, हमारे पूर्व के शिक्षा मंत्री जी और जो वर्तमान अपर मुख्य सचिव हैं, इन लोगों के लगातार प्रयास से जो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई और बहुत सारे सुधारात्मक कार्य हुए, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और आगे भी उसी ट्रैक पर मैंने शिक्षा विभाग चलेगा और उसको और बेहतर बनाने का अंतिम जो एक लक्ष्य है वो ये है कि बिहार के आम छात्रों को, छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि उनको शिक्षा के लिए अन्यत्र भटकने की जरूरत न पड़े। मैं इस कार्य में अपने सभी पदाधिकारियों को लगा हुआ देख रहा हूं, हमें गर्व है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा शिक्षा मंत्री जी, एक सवाल है, कांग्रेस का न्याय जोड़ो यात्रा हो रहा है, पूर्णिया में लालू यादव और नीतीश कुमार को कहा गया है कि आने के लिए, क्या जाएंगे लालू यादव नीतीश कुमार जो पूर्णिया में? ये तो अभी बताएंगे, मैं मुझे जानकारी नहीं है, निमंत्रण सब लोगों को मिला है, यह सद्भावना का प्रतीक है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इंडिया जो है, इंडिया गठबंधन एकजुट है, इस बात का प्रतीक है कि सब लोग एक दूसरे को बुला रहे हैं और अपने अभियानों में उसको शामिल करने का प्रयास। नीतीश कुमार जाएंगे ना? मैं नहीं जानता, सब लोग अपने समय देंगे उसके बाद। भैया, राम का स्थान बहुत ऊंचा है, हम लोग के दिल में है, बहुत ऊंचा स्थान है, उसको घसीट कर ये लोग राजनीति में ला रहे हैं, हम लोग उसको राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। और आम जनता भी चाहती है कि सियासत में धर्म को घसीटने के बजाय सियासत विकास के मुद्दे पर किया जाए, ये लोग मुद्दे से भटकाने के विरोधी। सुनिए ना, अब उन लोग जब मंत्र पढ़ रहे हैं वही बोलते रहिएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो भी छापिएगा, दिखाइएगा। मैं कह रहा हूँ कि भगवान का स्थान, भगवान राम का स्थान हम लोग के मन में बहुत ऊंचा है, राजनीति का बहुत नीचे है, उससे उसको घसीट के लाने का जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, उसका हम विरोध करते हैं। तो अभी आपने नए नवेले शिक्षा मंत्री आलोक मेहता को सुना है। एक तरफ विभाग सरपट दौड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, मानो विभाग जो है मंत्री विहीन है, अधिकारी अपने आप में हैं और आमने सामने हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री दुनिया के दूसरे आसमान पर या फिर कहें कि दूसरी दुनिया में मग्न है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आपने जो बयान सुना होगा वो अभी भी इसी मुगालते में है, सपने में है कि विभाग में बेहतर काम हो रहा है, लोगों तक शिक्षा पहुँचाने की कोशिश है, एक टारगेट, एक लक्ष्य जो निर्धारित है उसमें कामयाब है विभाग, काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी, जैसा कि अभी शिक्षा मंत्री को आपने सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।